बीवी अभी सोई नहीं है, जैसे ही सोती ना फिर निकलता हूँ। यार रात के 12 बज रहे हैं यार, तुम सो क्यों नहीं रही हो? आओ सो, मुझे नींद आ रही है। हाँ मखा, दोस्तों से फोन पे बात करनी पड़ रही है। चलो फटाफट सो जाओ, सो जाओ, जल्दी सो जाओ। यार रात को मैं उठी थी, तुम वहां थे नहीं, गायब थे वहां से। नहीं नहीं, मैं तो घर में ही था, मैं कहां गया था? जब तुम उठी होगी ना, मैं टॉयलेट में हूँ। कहाँ थे पूरी रात? तुम उठी हुई हो? हाँ, मैंने टॉयलेट में चेक किया, मैंने पूरे घर में चेक किया, तुम नहीं थे। और सुबह के 5 बज रहे हैं, कहाँ थे? बालकनी में था ना, तुमने बालकनी में नहीं देखा होगा। अभी 1 घंटे पहले नींद खुली, नींद आ नहीं रही थी, फिर सोचा क्या करूँ, बालकनी में जाके खड़ा हो गया, एक आधी सिगरेट पी ली बस। पर तुम तो बाहर से आ रहे हो। अरे हमारी बालकनी का रास्ता बाहर से तो जाता है, पता नहीं क्या तुम्हें? हाँ मगा का शक मत करो, 2-3 घंटे सो लो, आओ चलो। सो तो गई है लेकिन आज नहीं आ रहा, इसे शक हो गया है। अच्छा चलो ठीक है, आ रहा हूँ। ये दरवाजे के पीछे बर्तन कौन रखता है ऐसे, हैं? मैंने रखे हैं। क्यों? क्योंकि बाथरूम में तो तुम थे नहीं, और मैंने बालकनी भी चेक करी, तो मैंने मेन गेट पे बर्तन रख दिया, ताकि जब तुम आओ तो मुझे पता चल जाए कि तुम बाहर से आए हो, और तुम मुकर भी ना सको। रंगे हाथ पकड़े मैंने तुम्हें, अब मुझे बताओ रोज रात को कहाँ जाते हो, किससे मिलने जाते हो? अच्छा बेटा, मम्मी जी के नाम से नंबर सेव किया हुआ है। बेटा घर पहुंच गया क्या? हाँ मम्मी, हाँ पहुंच गया, पहुंच गया। चल ठीक है, ध्यान रख। हाँ कल मिलते हैं, ठीक है। रातों को अपनी बीवी को छोड़ के अपनी माँ से मिलने जाते हो? तो क्या करूं, तुमने तो बोल दिया कि मुझे तेरी माँ के साथ नहीं रहना, मुझे तो अकेले रहना है, अपने घर में रहना है। तो रख तो रहा हूं तुम्हें अकेले तुम्हारे घर में, मम्मी से रात को मिलने चला जाता हूं बस, क्या प्रॉब्लम है इसमें? तुम्हें इसमें भी प्रॉब्लम है? मम्मी ने मुझे तुम्हारे साथ जाने दिया, पता है क्यों? क्योंकि वो चाहती है मैं खुश रहूं, और मैं क्या चाहता हूं कि मेरी मम्मी खुश रहे, इसीलिए रात को मिलने जाता हूं उनसे। एक बेटा था उनका, उसको भी तुमने उनसे दूर कर दिया, पर कोई बात नहीं, एक दिन आएगा जब तुम्हारा भी बेटा होगा, तुम्हारी भी बहू होगी, और वो तुम्हें उससे अलग करेगी, फिर पता लगेगा तुम्हें। अच्छा सुनो, सॉरी, और मैंने मम्मी जी के साथ बहुत गलत किया है, मैं उनसे भी माफी मांगूंगी, नहीं चाहिए मुझे इंडिपेंडेंस, हम सब साथ में रहेंगे। सच में?